भाई, क्या हाल चाल है? वही लोग जो डीएम से में लिख रहे होते हैं कि लव यू जिन भाई, अब वही लोग आके आपको गंदी 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 गालियां दे रहे हैं। बाप से फेम लेके बाप को छोड़ दिया, इस तरह की बातें की जा रही हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये वही लोग हैं जो लव यू लिख रहे होते हैं मुझे। ये जो इंस्टाग्राम है, ये मैंने मुझे तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया था स्टार में से। ये लोग कहते हैं स्टार में आके फॉलोअर्स मिलते हैं, भाई पसीनों में खड़े होके हुए। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इमोशनल हो के सिंपथी गेन कर रहा है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो ये स्टोरीज एंड होते ही आपको अकाउंट डिलीट मिले। अल्लाह ने इतना दिमाग दिया ही नहीं था कि मैं किसी को फेम लेके छोड़ दूँ। मुझे तो यार हैरानगी होती थी कि मैं इधर तक आ कैसे गया। ओबियसली बहुत दुख हुआ। पहली चीज़ टीम लीव करने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दूसरी चीज़ अपने एक एम्पायर खड़ा किया, इस गेम को मैंने इतना टाइम दिया। पैसे जमा किए, ठीक है, एंड्रॉयड पे खेला, पैसे जमा किए, आईफोन XR लिया, एक एम्पायर खड़ा किया, आप उसे गिरता हुआ देख रहे हो। मैंने उसके ऊपर इतनी मेहनत की है, मुझे पता है। बहुत से लोग कहेंगे कि यार रंडियों की तरह रो रहा है। मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, अपने लिए बुरा लग रहा है। मुझे किसी की सिंपत्ति की जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत करते हो और फिर ये लोगों की वजह से नहीं मैं कर रहा, ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। इतनी टॉक्सिक कम्युनिटी, मुझे पता है मूवी में मुझे देख के ही बोलेंगे कि क्या रंडियों की तरह रो रहे हैं। रेडियो की तरह नहीं रो रहा, मुझे बस बुरा लग रहा है, सिंपल सी बात है। अफसोस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अफसोस। लोगों को हंसाया, बोरिंग ना होने की कोशिश की कि फॉलोअर्स भी चाहिए थे, ऑब्वियसली बात है यार, ऑब्वियसली। कभी फेम के पीछे नहीं भागा, अगर फेम के पीछे भागता ना, तो अगर मैंने टीम लीव की है ना, तो मैं लीव क्यों करता? मैं कोई पागल का बच्चा हूँ? मैं रहता, मैं
रोगी दिखाया तो सबकी सपोर्ट आ गई। कैसे लोग हो यार,